नमस्कार दोस्तों, मैं बापी टक्कर हॉस्पिटल चैनल से आप सभी दोस्त और किसान भाइयों को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं, ये जो वीडियो है काफ़ी अंधेरे में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है हम लोग काफ़ी दूर हमारे शॉप से खेत में आए हुए हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है खेत में ख़राब हो गया है किसान का। तो हमें अभी देख सकते हैं, काफ़ी रात का वक्त है, तकरीबन 8 या 9 बजे होंगे रात को, और इस वक्त जो है ट्रैक्टर किसान का जो है ख़राब हो गया है खेत के बीच में, क्योंकि किसान जो है खेत से धान और या धान जो है ट्रॉली में लोड करके लेके जा रहा था, तो इसी वक्त जो है ट्रैक्टर ख़राब हो गया। और ट्रैक्टर ख़राबी जो है, मतलब ट्रैक्टर अभी आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं हो रहा है, गियर वगैरह सभी कुछ जो है शिफ्ट हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 सभी गियर लग रहा है, लेकिन ट्रैक्टर जो है आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो ऐसे ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं होने का तो बहुत सारा रीज़न होता है। अगर आपका क्लच प्लेट ख़राब होगा तब भी ऐसा दिक्कत होता है, अगर क्लच प्लेट आपका बीच में से टूट गया होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर आपका बेबल गियर भी पूरा ख़राब हो गया होगा तब भी ऐसा दिक्कत होता है, अगर ऐसा कहाँ आपका दीवाल को तो बोरो बोरो क्राउन पिनियन ये सब ख़राब होता है तब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। दुनिया विशाल लेकिन भाई। तब तो ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी देता है, ये देख सकते हैं कितना कीड़ा मकोड़ा है, रात का वक्त है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, और काफ़ी दूर है। वीडियो तो मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट पहले ही मैंने जो है खेत में चलना शुरू किया था, तो इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी दूर है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और इसमें जो है ट्रैक्टर में क्या समस्या है, उसके लिए मैं अपने साथ में तो पार्ट्स लेके आया हूँ, उतना बड़ा बजा नहीं है, छोटा मोटा बजा है, इसको हम रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या समस्या है। ये देख सकते हैं, धान का खेत लगा हुआ है, एक साइड में धान का कटाई हो गया है और एक साइड में अभी भी धान लगा हुआ है। तो अभी जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर के सामने चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ट्रैक्टर में जो है ट्रॉली में धान लगा हुआ है पूरा ऊपर में, तो अभी देख सकते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। जैसे ट्रैक्टर हम स्टार्ट करेंगे और क्लाच छोड़ेंगे, ट्रैक्टर जो है आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ट्रैक्टर अभी पहले न्यूट्रल कर रहा है, ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है और ट्रैक्टर का ऑनर भी खुद ही है, जो अपना ट्रैक्टर खुद ही चलाता है, ये देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है हमारा आगे पीछे नहीं हुआ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो हाइड्रोलिक टापा कवर है इसको खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जो है ड्राइव शाफ्ट होता है, ड्राइव शाफ्ट बोल सकते हैं या फिर आप ड्राइव कॉपलर भी बोल सकते हैं, वो अंदर से टूट गया है, और ये मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेसी ट्रैक्टर में ऐसा दिक्कत होता है, मतलब अभी जितना न्यू मॉडल का ट्रैक्टर है उन सब में भी तो नहीं होता है, जैसे 7250 हो गया, 9000 हो गया, उन सब में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुराना जितना भी हमारा मेसी ट्रैक्टर है, जैसे कि 1035, 241, 245, इन सब ट्रैक्टर में हमारा ये दिक्कत होता था, और उसी हिसाब से जो है हम इसका सामान भी लेके आ गए हैं साथ में। पहले इसका सीट को उतार लेते हैं नीचे, और फिर इसका हाइड्रोलिक टापा कवर भी हम नीचे उतार के आपको दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं 245 DI जय सीरीज का ये ट्रैक्टर है, और काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है, तो देख सकते हैं किसान भाइयों के लिए हमें भी थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि किसान भाई भी देख सकते हैं इतने रात को भी फसल उगाने के लिए, फसल घर में ले जाने के लिए कितना मेहनत करता है, रात रात भर ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, तो अगर उनका ट्रैक्टर ऐसे खेत में ख़राब होता है तो हम लोगों को भी आना पड़ता है उन किसान भाई की मदद करने के लिए। अगर आप किसान भाई है तो हम मैकेनिक भाई के लिए तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को,
और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो को और भी किसान भाई मैकेनिक भाई में शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके एरिया में मेसी ट्रैक्टर का ये समस्या हुआ हो तो आप क्या ख़राब हुआ है उसमें आप पता लगा सकते हैं ये वीडियो देख के। तो जल्दी से जल्दी कवर को, टापा कवर को जो हम निकाल लेते हैं, नीचे नहीं उतारेंगे, साइड करके रख देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और आप सोच भी सकते हैं कितना रात गए हम, हमारे शॉप से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर आए हैं हम लोग। तो ये देख सकते हैं इसका अंदर का जो ड्राइव शाफ्ट है वो टूटा हुआ है, ड्राइव कॉपलर भी बोल सकते हैं, ड्राइव शाफ्ट ये देख सकते हैं बीच में से टूटा हुआ है, देखा है ना आपने। और ये जो शाफ्ट है तकरीबन ट्रैक्टर में इसी कंडीशन में टूटता है, इसी जगह से टूटता है। तो इसके लिए अभी हम इसका जो लॉक पिन होता है इसको हम निकाल लेंगे, चीरा लॉक भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसको निकाल के जो है, और ये काफ़ी आसानी के साथ निकल जाता है, इसमें कोई इतना झमेला वाला कोई काम नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो किसान, अगर आप किसान भाई है तो आप खुद से भी इसको चेंज कर सकते हैं, इतना मुश्किल वाला ये काम नहीं है, आप खुद से चेंज कर सकते हैं। और ट्रैक्टर का ऑयल वगैरह भी बहुत ख़राब है, और खैर छोड़िए, अभी तो हम ऑयल वगैरह चेंज करने के लिए नहीं आए, खाली इसका जो प्रॉब्लम है इसी को सही करके हम इसको क्या करेंगे, रबा करेंगे ट्रैक्टर को, सॉरी रबा नहीं करेंगे, इसको ठीक करके छोड़ेंगे। और इसका देख सकते हैं तेल पिनियन जो है इस, ये भी बहुत लूज है, जिसका कारण इसका ड्राइव शाफ्ट टूटा है शायद, क्योंकि पिनियन लूज होने से भी हमारा ये ड्राइव शाफ्ट टूटेगा। तो हम ये ड्राइव शाफ्ट जो है साथ में लेके आए हैं, आपको दिखा देते हैं, ये वाला है इसका ड्राइव शाफ्ट। और पुरान ये तो और काफ़ी रात में आए हैं बाहर, और काफ़ी ठंड भी लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ में अभी ठंड का सीज़न है तो ठंड भी लग रहा है। तो इसका MRP पार्ट नंबर वगैरह शायद आप देख सकते हैं, और इसके साथ ये पिन भी, इसको खोल के आपको दिखा देते हैं, ये रहा इसका ड्राइव शाफ्ट, पुराना वाला भी दिखा देते हैं आपको, ये इसका पुराना शाफ्ट देख सकते हैं जो बिल्कुल इस जगह से टूट गया है, और इसी जगह से ज़्यादातर टूटता है ये शाफ्ट। तो अभी हम इसको जल्दी से जल्दी फिटिंग कर लेते हैं, और इसमें दो साइज़ का आता है, एक लंबा एक शॉर्ट साइज़ का आता है। लंबा वाला जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर में फिटिंग होता है, जिसका टेल गियर जो है शॉर्ट है उसमें फिटिंग होता है लंबा वाला। तो ये तो शॉर्ट वाला है, तो साइड प्लेट भी खोल लिया हमने, और ये हाइड्रोलिक का जो लीवर है इसका ये है, तो इसको हम सिंगल कनेक्शन करेंगे, इसमें डबल कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ड्राफ्ट सेंसिंग का कोई काम वगैरह नहीं है, हाइड्रोलिक का कोई काम नहीं होता इससे, खाली ट्रोली ही चलाता है, और हाल जोतने का काम वगैरह इससे नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर बहुत पुराना हो गया है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक लीवर का ये जो हाइड्रोलिक का जो वेल्व है इसको हम इस तरह से लॉक करके रख देंगे, बाद में करने से भी होता है, तो इसको हमने कर दिया। और क्योंकि इसका डीप स्टिक गैरोल का जो डीप स्टिक है वो नहीं है ट्रैक्टर के साथ में, कहीं खो गया होगा शायद, तो हम इसका जो है इंजन का जो डीप स्टिक है उसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया है। तब इसका गियर शाफ्ट जो है ड्राइव शाफ्ट इसको हम फिटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं ट्रॉली में जो है हमारा धान जो है पूरा लोड किया हुआ है, और शायद थोड़ा कीचड़ में दब गया था ट्रैक्टर, तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो ये शाफ्ट टूट गया। तो इस तरह से ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से मेसी का जो है ये ड्राफ्ट शाफ्ट जो है वो टूटता है काफ़ी ज़्यादा। तो देख सकते हैं ना कितना अंधेरा है, दूर दूर तक तो पूरा खेत ही खेत है, और हम लोग जो है काफ़ी दूर खेत के बीच में आए हैं। तो ये शाफ्ट जो है फिटिंग हो जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि
रात को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो ये देख सकते हैं शाफ्ट को फिटिंग कर दिया है हमने। जल्दी से जल्दी इसका पिन जो है इसको भी हम लॉक कर देंगे। और इसका ड्राइव जो है, शाफ्ट जो है, इसको फिटिंग करने का भी दो तरीका हो, एक ही तरीका है देख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा फिटिंग कर देंगे जो कि जिस जगह से टूटा था पुराना शाफ्ट हमारा, जैसे कि ये ड्रेन वाला हिस्सा, ये ड्रेन वाला हिस्सा अगर आप आगे की तरफ रखेंगे तो हमारा शाफ्ट फिटिंग तो हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर आप स्टार्ट करेंगे तो गियर लगाएंगे आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये शाफ्ट आप जब भी फिटिंग करें ये ड्रेन वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखें। और तो कवर को भी हमने बिठा लिया है और देख सकते हैं हाइड्रोलिक लीवर जो है हमारा सही से काम कर रहा है। तो अब इसका हाइड्रोलिक कवर का जितना भी बोल्ट है इन सबको फिटिंग कर लेते हैं। वीडियो इतना लंबा नहीं है लेकिन इतना शॉर्ट में बनाया है क्योंकि रात का टाइम है ना, अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। और काफ़ी दूर आए हम लोग, खेत के बीच में हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया है। तो सीट लगा के हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर जो अभी हमारा आगे पीछे जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सीट को भी फिटिंग कर लेते हैं क्योंकि आते टाइम तो हम लोग पैदल चल के आए थे, लेकिन अभी जब जाएंगे हम तो ट्रैक्टर में चढ़ के जाएंगे क्योंकि बेकार में पैदल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सांप बिच्छू वगैरह काट लेगा तो और दिक्कत हो जाएगा क्योंकि काफ़ी खेत के बीच में है। नहीं दोस्तों, ऐसे मजाक कर रहा था, सांप बिच्छू कहाँ काट लेगा, किसान के मदद के लिए आए, ऐसी सांप बिच्छू भी समझता है कि इन बेचारों को तो छोड़ देना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर जो है पूरा बिल्कुल ओके हो गया है और ट्रैक्टर जो है हमारा आगे पीछे जा रहा है। तो हम भी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो अभी हम जो है जल्दी से जल्दी हमारे घर घर में पहुंच जाएंगे। तो ट्रैक्टर में घर में घर नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर ओनर के घर तक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा बाइक लेके अपने घर जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।